वेलकम स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू नेक्स्ट सम्स ऑफ मैथ्स. लुक हियर, लुक दिस पिक्चर केयरफुली, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड टिक फॉर द करेक्ट आंसर इन द गिवन बॉक्स. मीन्स इस पूरे पिक्चर को हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना है, अच्छे से देखना है. इस पिक्चर के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनके आंसर हमें लिखने सॉरी उनके आंसर जो राइट आंसर है उसमें हमें क्या करना है, टिक करना है. तो चलो हमने इस पिक्चर को केयरफुली देख लिया. इसके बाद अब हम क्वेश्चन पे जाते हैं कि उन्होंने हमसे क्या क्वेश्चन पूछे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज इनसाइड द बास्केट. अब हु इज इनसाइड द बास्केट, इनसाइड मीन्स क्या होता है, अंदर. बास्केट के अंदर कौन है ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पिक्चर में जाना पड़ेगा. बास्केट के अंदर माउस है, ये हमें दिखाई दे रहा है. बास्केट के अंदर माउस है तो हम आंसर में क्या लिख देंगे, सॉरी आंसर में किस पे टिक करेंगे, माउस पे. सेकेंड, हु इज़ सीटिंग आउटसाइड द टेंट. आउटसाइड मीन्स क्या होता है, बाहर. अब इसके लिए हम वापस पिक्चर में जाएंगे, देखेंगे टेंट के आउटसाइड में, कौन है, बाहर कौन है, कैमल है. तो आंसर में हम क्या किस पे टिक करेंगे, कैमल में टिक कर देंगे. क्वेश्चन नंबर थ्री, हु इज़ आउटसाइड द बास्केट. अब आउटसाइड मीन्स क्या होता है, बाहर. आउटसाइड मीन्स क्या होता है, बाहर. तो बास्केट के बाहर कौन है, ये हमें दिख रही है केट. बास्केट के बाहर केट है तो हम क्या कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, केट पे टिक कर देंगे. क्वेश्चन फोर, हु इज़ इनसाइड द टेंट. इसी प्रकार से हमको सारे क्वेश्चन उसी के अंदर से देने हैं, पिक्चर के अंदर ही देखने हैं. तो टेंट के इनसाइड, टेंट के इनसाइड कौन है नंबर फोर में, इनसाइड. इनसाइड मीन्स अंदर, अंदर कौन बैठा है, गॉट. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फोर में गॉट में हम टिक कर देंगे. नंबर फाइव, विच ट्री इज़ बिगर. अब दोनों ट्री में से बिगर, बिगर मीन्स क्या होता है, बड़ा. बड़ा ट्री कौन सा है, ये वाला, तो इसमें हमने टिक कर दिया. विच बोट इज़ स्मॉलर, स्मॉलर मीन्स क्या होता है, छोटा. तो छोटी बोट कौन सी है, ये वाली, तो हमने इसमें टिक कर दिया. अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं. पॉइंट नंबर सेवन, विच डॉग इज़ बिगर. बिगर मीन्स बड़ा, हमें दिख ही रहा है कि बड़ा डॉग ये है, इसमें हमने टिक कर दिया. विच एनिमल इज स्मॉलर, स्मॉलर एनिमल में हमने टिक कर दिया. हु इज़ ऑन द कोकोनट ट्री. अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो मंकी है एक ट्री पे चल रहा है और स्क्वायरल तो खाली खड़ी है, वो किसी पे भी नहीं चढ़ रहा है. तो ऑब्वियसली ट्री पर कौन चढ़ रहा है, मंकी. तो मंकी वाले पे हम टिक कर देंगे. या हम इसे पिक्चर में भी देख सकते हैं, पिक्चर में भी दिखाया है कि मंकी ट्री पर चल रहा है. नंबर टेन, हु इज़ एट द बॉटम ऑफ द साइड. बॉटम मीन्स क्या होता है, नीचे. तो नीचे इस पिक्चर में नीचे सबसे नीचे कौन है, ये पीछे वाला बॉय, तो इस पर हमने टिक कर दिया. वॉट इज़ ऑन द बॉटल, सॉरी टेबल. अब टेबल, वॉट इज़ ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है, इसके लिए हम पिक्चर में जाएंगे. टेबल कहाँ है, ये रही. टेबल पे क्या है, टेबल पे जग है. और टेबल के नीचे क्या है, टेबल के नीचे ग्लास है. तो ये आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे. टेबल के ऊपर क्या है, टेबल के ऊपर जग है, उसमें टिक कर दिया. वॉट इज़ अंडर द टेबल, अंडर का मतलब होता है नीचे. तो टेबल के नीचे क्या है, ग्लास है, तो ग्लास में भी हमने टिक कर दिया. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्टीन, वॉट इज़ द फादर फ्रॉम द टेंट. फादर, फादर मीन्स क्या होता है, दूर. नियरर मीन्स पास में. तो अब हम ये पिक्चर में देखते हैं कि टेंट के पास में कौन है. सॉरी, दो पिक्चर कौन कौन से दिए हैं हमें यहाँ पर, स्लाइड और बोट. तो बोट टेंट के पास में है, इसलिए हमने टिक कर दिया. वॉट इज़ नियर टू द फिशरमैन. अब फिशरमैन के पास में कौन है, नियर मीन्स पास में. फिशरमैन के पास में कौन है, बोट है, तो बोट पे टिक कर दिया. हु इज़ नियरर टू द टेबल, टेबल के पास में कौन है, ये दोनों बच्चे हैं तो टेबल के पास में कर दिया. हु इज़ फार्दर फ्रॉम द जिराफ, जिराफ से दूर कौन है, तो जिराफ से दूर रैबिट है, तो रैबिट में टिक कर दिया. वॉट इज़ द शेप ऑफ द काइट, काइट का शेप कैसा होता है, ट्राइंग, ये स्क्वायर जैसा होता है, तो हमने इसमें स्क्वायर काइट का शेप कैसा होता है, काइट का शेप होता है स्क्वायर, तो हमने इसमें स्क्वायर के में
टिक कर दिया। 18 नंबर, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द बॉल, बॉल का शेप कैसा होता है, सर्कल, तो सर्कल वाले में टिक कर दिया। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द स्टीमर्स फ्लैग, स्टीमर के फ्लैग का, तो इसके लिए हमें पिक्चर में जाना पड़ेगा, स्टीमर का फ्लैग कहाँ है, ये रहा, तो ये फ्लैग का शेप कैसा है, ट्राइंगल, ट्राइंगल है, तो हम इसमें किस में टिक करेंगे, ट्राइंगल में। इस तरह से हमारे पूरे 19 क्वेश्चन थे जो पूरे कंप्लीट हो गए पिक्चर को देख के। आई थिंक आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय, प्रणाम।